शिक्षक साथियों नमस्कार। मेरे चैनल एडुकेटर जी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आइए विधान परिषद में बहस की सूक्ष्म बातों का अवलोकन करते हैं। शिक्षा मंत्री से क्या क्या प्रश्न किया गया है, आइए पहले यह वीडियो देख लेते हैं। विसंगति का मामला नहीं, इसमें कई मामले हैं और हमने भी पूछा है, इसलिए हम खड़ा हुए हैं। अगर यही पूछते तो हम नहीं खड़ा होते। इसमें विसंगति का भी मामला है और जैसा अभी उत्तर में आया है, सरकारी सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चल रहा है, सरकारी कर्मचारियों के लिए मामला चल रहा है, तो वेतन विसंगति यह है कि नियोजित टीचर को 2024-2800 का जो ग्रेड पे मिल रहा है, उसके हिसाब से सरकार ने एक नया वेतन संरचना बना दिया। सरकारी कर्मी के हिसाब से अगर उस ग्रेड पे के हिसाब से वेतन संरचना बनाएंगे तो उसका वेतन बढ़ जाएगा। इसलिए एक बड़ी विसंगति है, इसको भी देखने की जरूरत है। जब जरूरत पड़ता है तो कभी सरकारी कर्मचारी को कह देते हैं कि ये सरकारी कर्मचारी की तरह है, उसका केस सुप्रीम कोर्ट में लंबित है जब प्रोन्नति देना होता है, और जब विसंगति दूर करना होता है तो उस समय कह देती है सरकार कि ये तो नगर निगम और पंचायती व्यवस्था के शिक्षक हैं, ये शिक्षक सरकार के हैं ही नहीं। और तीसरी बात इसमें एक और महोदय विसंगति, प्रोन्नति के मामला में उन्होंने खाली माध्यमिक शिक्षकों को उच्चतर माध्यमिक में कहा। सरकार ने 2020 के नियमावली में ये कहा है कि हम सारे पदों को जो राजकीयकृत अल्पसंख्यक विद्यालय या प्रोजेक्ट विद्यालय हैं उसमें हम प्रमोशन से भरेंगे। 20 के नियमावली में है सरकार का, और इसको प्रमोशन से भरने की कोई नीति नहीं है, कोई कवायद शुरू नहीं हुई है। अभी तक जो है स्थिति वही बनी हुई है, ढाक के तीन पार। जबकि आप प्रधानाध्यापक की परीक्षा ले रहे हैं और परीक्षा में मात्र 421 आदमी पास कर रहा है, और उसमें भी काउंसलिंग होता है तो 20 आदमी काउंसलिंग में आता भी नहीं है, ये समझ में। माननीय मंत्री, नहीं इसके बाद एक और महोदय पूछ ले रहे हैं, एक MACP का मामला है। महोदय सरकार ने कहा है, मान लीजिए वित्तीय उन्नयन भी देना है, वित्तीय उन्नयन देना है ना सर। सरकार राजकीय कर्मचारी को तमाम को 10 साल पर 20 साल पर 30 साल पर वित्तीय उन्नयन दे रही है, पहले भी देती थी, और इस नियोजित टीचर को न प्रमोशन दे रहे हैं न आप उसका वेतन विसंगति दूर कर रहे हैं, और ये कम से कम आप MACP दे दिए 10 साल 20 साल 30 साल पर देने की बात थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें एक और नियमावली में था कि नियोजन इकाई का अंतर नियोजन में स्थानांतरण का मामला, ये इसमें ध्यानाकर्षण में है, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं है, 2020 से पड़ा हुआ है। इंट्रा में भी जो होना है स्थानांतरण, उसमें भी कोई काम नहीं हो रहा है। ये सारे मामले पड़े हुए हैं, और हम लोगों को तो बड़ी खुशी हुई कि जब महागठबंधन की सरकार बनी, हम लोगों को लगा कि ये सब मामला तो माननीय शिक्षा। तो इस प्रकार का प्रश्न विधान परिषद तथा विधानसभा में अपने ही घटक दलों के सदस्यों द्वारा प्रश्न उठाया जाने लगे तो वो दिन दूर नहीं जब शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इसी न्यूज से आपको अवगत कराना था। आपसे रिक्वेस्ट है, यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।